वेलकम टू डिलाइट वेजी रसोई। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही टेस्टी बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है मैक स्पाइसी पनीर बर्गर। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी शेयर करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। तो आइए देखते हैं मैक स्पाइसी पनीर बर्गर बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। एक छोटा चम्मच हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स, चार छोटे चम्मच हमने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक, एक छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी, आधा छोटा चम्मच सिरका, दो बड़े चम्मच और एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर अरारोट, चार बड़े चम्मच और एक छोटा चम्मच मैदा, दो चीज स्लाइस हमने लिए हैं। इस तरह से मैंने पनीर को मोटे स्लाइसिस में कट कर लिया है। मैंने दो स्लाइस लिए हैं पनीर के। दो बर्गर बंस लिए हैं मैंने, तिल वाले बर्गर बंस लिए हैं। आप चाहे तो सिंपल बर्गर बंस भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी बंस आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। दो बड़े चम्मच और एक छोटा चम्मच मकई का आटा, तीन बड़े चम्मच एगलेस मेयोनीज, आधा छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर, इसकी जगह आप आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। एक तिहाई कप हमने इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, इसे हम क्रश कर लेंगे मोटा मोटा। एक तिहाई कप ब्रेड क्रम्स हम लेटिस लेंगे बर्गर बनाने के लिए। साथ ही हम तेल को यूज़ करेंगे पनीर की पैटीज को फ्राई करने के लिए। तो आइए मैक स्पाइसी पनीर बर्गर बनाना शुरू करते हैं। मैक स्पाइसी पनीर बर्गर में जो सॉस यूज़ होती है, जो डिप यूज़ होती है, वो होती है चिपोटले सॉस। तो हम सबसे पहले चिपोटले सॉस तैयार करेंगे, जिसमें हमने ले लिया तीन चम्मच एगलेस मेयोनीज। इसमें मिक्स हर्ब्स डाल देंगे, एक छोटा चम्मच हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, सिरका डाल देंगे, पिसी हुई चीनी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, धनिया डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब गार्लिक पाउडर। एक बार और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, ये हमारी डिप बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। अब हम पनीर स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो इस तरह से टिश्यू पेपर की हेल्प से सारा सॉक कर लेंगे। ये देखिए, ये जो इसके ऊपर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो हमें सारा हटाना है टिश्यू पेपर की हेल्प से। इसी तरह हम दूसरे स्लाइस के ऊपर से भी सारा मॉइस्चर हटा लेंगे। अब हम तैयार करेंगे पनीर की पैटी को कोट करने के लिए वेट मिक्सचर, जिसमें हम लेंगे दो बड़े चम्मच मकई का आटा, चार बड़े चम्मच मैदा, दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक छोटे चम्मच के करीब नमक, दो छोटे चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह का हमें मिक्सचर चाहिए। तो ऐसी स्लरी बनाने के लिए हमें आधे कप के करीब पानी लगा है। देखने से ही आपको लग रहा होगा कि जो बर्गर के अंदर की पैटी होती है मैक स्पाइसी पनीर की, इसका कलर उसी की तरह है। अब हम लेंगे एक प्लेट के अंदर ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स को हम क्रश कर लेंगे। डालेंगे इसमें क्रश किए हुए कॉर्नफ्लेक्स, बची हुई कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी क्रम्स कोटिंग तैयार है, इसे भी हम साइड पे रख देते हैं। अब हम तैयार करेंगे ड्राई कोटिंग। उसके लिए हम लेंगे एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक छोटा चम्मच मैदा, एक छोटा चम्मच मकई का आटा और इन सबको भी मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे ड्राई कोटिंग के लिए भी मिक्सचर तैयार है। अब हम पनीर की पैटी बनाकर तैयार करते हैं। उसके लिए हम इस तरह से पनीर उठाएंगे और सबसे पहले इस तरह से उसे ड्राई मिक्सचर में कोट करेंगे। और जो एक्स्ट्रा कोटिंग है वो सारी इसके ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद हम इसे वेट मिक्सचर में डालेंगे और इसको वेट मिक्सचर से कोट करेंगे। ये स्टेप बहुत ध्यान से करिए, पनीर जो है वो टूटना नहीं चाहिए। इसके बाद हम पनीर को इसमें से उठाएंगे और क्रम्स वाले मिक्सचर में पनीर को डाल देंगे।
सारी साइड से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी पनीर की पैटी जो है वो तैयार है। इसी तरह हम दूसरी पैटी बना लेते हैं। तो ये हमारी पनीर की पैटी बनकर तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे, जब तक ये हार्ड हो जाएगी थोड़ी। इन पैटीज को फ्रिज में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ी हार्ड हो चुकी हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। हमें इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक। ये देखिए, पैटी जो है वो क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी पैटी भी निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारी दोनों पनीर पैटीज बनकर तैयार हैं। आइए अब हम बर्गर को असेंबल करते हैं। अब हमारे पास सारी चीजें रेडी हैं, अब हम बर्गर को असेंबल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बर्गर बन को कट करेंगे। इस तरह से मैंने बर्गर बन को कट कर लिया है। दूसरे बर्गर बन को भी मैं कट कर लेती हूँ। तो ये हमारे बर्गर बन की टॉप साइड है। सबसे पहले हम इसके ऊपर डिप स्प्रेड करेंगे जो हमने तैयार की है। तो ये हम चिपोटले सॉस इस पर लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरे बर्गर बन के टॉप पार्ट पर भी चिपोटले सॉस लगा देंगे। रख देंगे इनके ऊपर चीज स्लाइस, रखेंगे लेटिस, आप चाहे तो लेटिस को चॉप करके भी रख सकते हैं। अब ये जो हमने पैटी तैयार की थी वो हम रखेंगे इसके ऊपर। बर्गर का बॉटम साइड जो है वो इस तरह से हम ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मैक स्पाइसी पनीर बर्गर बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल में बनकर तैयार है। इसी तरह हम इसे भी फ्लिप कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आपको ये बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं आपको अपनी नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।